अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यूसुफ चौताई और साइंस स्टूडियो में आज हम शाओमी के बैंड के 2022 मॉडल मी बैंड 7 का रिव्यू करने जा रहे हैं। मी बैंड काफी साल से इस कैटेगरी को लीड कर रहा है और तकरीबन हर साल मजीद फीचर्स के साथ बैंड लॉन्च करता है, तो देखते हैं कि इस साल के बैंड में क्या नया है और क्या पुराना, और आपको ये खरीदना भी चाहिए या नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। तो अनबॉक्स करने पर आपको बैंड मिल रहा है जो कि पिछले तमाम वेरिएंट्स की तरह मुश्तमिल है एक अदद मेन मॉड्यूल और सिलिकॉन चेंजेबल स्ट्रैप पर। साथ में एक चार्जिंग केबल है और एक अदद यूजर मैनुअल। पहनने में ये काफी लाइट वेट है, तो 24 घंटे पहना जा सकता है। तकरीबन 25 ग्राम इसका वजन है और एग्जैक्ट डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस दफा स्क्रीन को 1.62 इंच कर दिया गया है और ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। बेजल बहुत कम है और ये चीज Xiaomi ने मी बैंड 5 के बाद ही मी बैंड 6 में काफी हद तक इम्प्रूव कर ली थी और अब इसमें मजीद बेहतरी लाई गई है। ओवरऑल डायमेंशन में इतना फर्क नहीं है, मगर स्क्रीन में 25% का इजाफा है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी फाइनली Xiaomi ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि आप सेटिंग में जाकर ऑन ऑफ करने के अलावा स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पर भी रख सकते हैं। तो इसके दौरान ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में टाइम शो करता रहेगा, मगर फुल बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा और सिर्फ रिस्ट उठाने पर ये वेक होगा और कलर डिस्प्ले आ जाएगा। इसकी रिस्ट डिटेक्शन भी काफी अच्छे से काम कर रही है। तो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन साइज के साथ ऊपर गई है, मगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो पिछले वर्जन की तरह 326 ppi वाली एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, जो कि काफी खूबसूरत है। टच रिस्पांस भी काफी मजे का है। ऊपर स्वाइप करके आप इसके तमाम फीचर एक्सेस कर सकते हैं, जिन पर आगे चल के हम बात करेंगे। राइट स्वाइप करने पर आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और लेफ्ट स्वाइप करने पर आप वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं, और ऊपर से नीचे स्वाइप करने पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जैसा कि आप मोबाइल में करते हैं। तो इसमें आपको मैसेज, कॉल वगैरह के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसमें इवन तमाम मोबाइल के नोटिफिकेशन भी ऑन किए जा सकते हैं। उस सूरत में ये तमाम नोटिफिकेशन जो मोबाइल पे आएंगे वो आपके बैंड पर भी आएंगे। तो मेनली इसका फायदा कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन का है, क्योंकि कई दफा शोर में मोबाइल जेब में बजता रहता है और खासतौर पर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं लगता। तो इसका यह भी एक फायदा है कि रिस्ट पर वाइब्रेशन होने से आपको फौरन पता लग जाएगा। SMS, WhatsApp के मैसेजेस भी बैंड पर पढ़े जा सकते हैं और आप ऐप में प्रीसेट रिप्लाईज डाल सकते हैं, जो कि आप मैसेजेस के रिप्लाई में भेज सकते हैं, या इवन इमोजेस भी सिलेक्ट करके भेजे जा सकते हैं। ऐसे ही कॉल आने पर आप उसको म्यूट कर सकते हैं और प्रीसेट रिप्लाईज भी काटते हुए भेज सकते हैं कि आप कॉल रिजेक्ट करें और साथ प्रीसेट रिप्लाई भेज दें। तो हर दफा आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके जरिए आप कॉल सुन नहीं सकते। मगर बिलीव मी, ये कोई ऐसा फीचर नहीं कि जिसकी आपको कभी जरूरत पड़े। मेरे पास ये Amazfit GTR 2 है जिसके अंदर ये फीचर मौजूद है, लेकिन आज तक मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिकल ही नहीं लगता। इसमें ब्राइटनेस भी पहले से बेहतर की गई है, 450 निट्स आती थी अब 500 निट्स कर दी गई है, और धूप में भी इसे बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी 100 पॉइंट्स तक की जा सकती है। और चिपसेट की बेहतरी के साथ इसमें मजीद स्मूथनेस आ गई है। Xiaomi ने स्क्रीन के साइज के हिसाब से एनिमेशन, नए आइकन्स का इजाफा किया है और एक नया यूजर इंटरफेस है जो कि पहले से ज्यादा बेहतर है। इसकी ऐप में आपको 100 प्लस बैंड फेसेस मिल जाएंगे, तो आप बोर नहीं होंगे। यानी आप हर हफ्ते भी चेंज करें तो तकरीबन 2 साल लगेंगे तमाम फेसेस यूज करने में। स्लीप ट्रैकिंग 2014 में ही मी बैंड 1 से तमाम वेरिएंट्स में चली आ रही है, मगर इसमें इसको मजीद इनहेंस किया गया है और आपको ऑप्शन दिया गया है कि हाई एक्यूरेसी स्लीप मॉनिटरिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने Amazfit GTR 2 से इसको कंपेयर किया है, दोनों की स्लीप ट्रैकिंग ने सिमिलर रिजल्ट दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कंपैरिजन के लिए मी बैंड के पुराने वर्जन से कंपेयर नहीं किया, उससे तो ये यकीनन बेहतर होगा, मगर मैंने Amazfit GTR 2 का इस्तेमाल किया जो कि 30,000 प्लस की वॉच है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक टफ टाइम दिया है मी बैंड को। तो स्लीप ट्रैकिंग के जरिए आप अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, तो ये आपकी स्लीप को स्कोर देगा, बताएगा कि कितने टाइम आप लाइट स्लीप में रहे, कितना टाइम आप डीप स्लीप में गए। इसके अलावा आप सोते में ब्रीदिंग के मॉनिटर का फीचर भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि जितने आप फीचर्स खोलते जाएंगे उतनी इसकी बैटरी लाइफ कम होती जाएगी। बैटरी का जिक्र आ ही गया है, तो आपको 180 mAh की बैटरी मिल रही है। बैंड 6 में 125 mAh की बैटरी आती थी, तो Xiaomi ने स्क्रीन साइज और फीचर्स के बढ़ाने के साथ बैटरी लाइफ भी मी बैंड 6 जितनी देने के लिए 44% बिगर बैटरी यूज की है। तो ये बैटरी आपको नॉर्मल यूज पर 14 दिन, जबकि हैवी यूज करने पर 9 दिन दे सकती है। तो नॉर्मल यूज और हैवी यूज की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस टाइम पॉज करके पढ़ सकते हैं।
तो जितने आप फीचर यूज करेंगे, जितना इस पर लोड डालेंगे, उतनी जल्दी इसकी बैटरी ड्रेन होगी। जैसे मैंने टेस्टिंग के दौरान इसके तमाम फीचर्स को ऑन रखा, हर तरह के नोटिफिकेशंस को ऑन रखा और मुसलसल इसको यूज किया, तो 2 दिन में इसकी बैटरी ड्रेन हो गई। तो एक नॉर्मल यूज में आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, तो एक अच्छी बैटरी लाइफ दी गई है। और इसको चार्ज करने के लिए मैग्नेटिक केबल मिल रही है, जिससे आप इसको 2 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं। और यही मैग्नेटिक केबल मी बैंड 6 और मी बैंड 5 में भी आती थी, यानी पुरानी केबल से भी ये चार्ज हो सकता है और इसकी केबल आप पुराने 2 वेरिएंट पे भी यूज कर सकते हैं। इस दफा कंटीन्यूअस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का फीचर भी ऐड किया गया है। पिछली दफा ये सिर्फ ऑन डिमांड पर था, तो अब फुल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आप सेट कर सकते हैं कि कितना नीचे आने पर ये आपको अलर्ट कर दे। ऑक्सीजन लेवल के हवाले से कोरोना की वजह से काफी आ गई, तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वैसे इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी डाली गई है, जिससे आप लंबी सांसें इनहेल और एक्सहेल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्टिविटी की बात कर लें तो इस दफा 30 से बढ़ाकर 110 तरह के वर्कआउट सिलेक्शन डाल दी गई है, तो हर तरह का वर्कआउट इसमें मिल जाएगा, क्योंकि मेनली ये एक फिटनेस बैंड है जो कि आपको एक्सरसाइज में हेल्प करता है, ट्रेनिंग लोड को मॉनिटर करके और फिर रिकवरी के दौरान और रेस्ट टाइम में आपका ख्याल रखता है। इस दफा इस हवाले से मी बैंड 7 में एक नया फीचर भी डाला गया है, और वो है VO2 मैक्स मॉनिटरिंग। ये SpO2 मॉनिटरिंग से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो आपके ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है, जबकि VO2 मैक्स आपकी ऑक्सीजन के इनटेक को देखता है, क्योंकि आप पर जितना लोड होगा उतनी आपकी बॉडी ऑक्सीजन की इनटेक करेगी। और ये लोड हर एक की बॉडी के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर एक रेगुलर वर्जिश करने वाला 50 किलो वजन उठाएगा या 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागेगा तो उसका सांस इतना नहीं फूलेगा, मगर एक नया बंदा यही करेगा वही सेम काम तो उसका सांस फूलेगा, क्योंकि बॉडी के हिसाब से लोड ज्यादा आ गया, इसकी बॉडी ऑक्सीजन की इंटेक ज्यादा डिमांड करने लग जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल वर्कआउट एनालिसिस है जो कि इसमें ऐड किया गया है। तो बैंड आपकी 7 दिन की हिस्ट्री पर नजर रखेगा, डाटा को एनालाइज करता है, जैसे ऑक्सीजन की इंटेक क्या रही, ट्रेनिंग का बॉडी ने क्या इफेक्ट लिया, कितने टाइम में रिकवरी हो रही है, और ट्रेनिंग लोड को देखते हुए आपके वर्कआउट को रेटिंग करता है। ऐसे ही आप हमारे काम को रेटिंग दे सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और ऐसी वीडियोस मजीद देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें तो आपका भी फायदा और हमारा भी। तो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करके, साथ बेल आइकन भी दबा दें तो क्या ही बात है। तो नए फीचर्स के अलावा इसके पुराने बैंड के साथ कॉमन फीचर्स की बात कर लें तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर है, जो कि आप ऑल डे मॉनिटरिंग में सेट कर सकते हैं। क्या आप हर 30 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 1 मिनट बाद चाहते हैं कि ये चेक करता रहे। इसके अलावा स्मार्ट की सिलेक्शन भी है, जो कि एक ऑटो फीचर है, जिसमें ये आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हार्ट रेट चेक करता रहेगा, और अगर आपका हार्ट रेट सेफ रेंज से बाहर हो रहा है तो ये आपको अलर्ट कर देगा। तो इसमें आप अपनी कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं कि कितना हाई या कितना लो जाने पर ये आपको अलर्ट करे, और ये रेस्ट टाइम में मॉनिटरिंग है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें ये आपका कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर करता है। इसके अलावा मजीद कॉमन फीचर्स की बात कर लें तो स्टेप काउंटिंग है, जो कि काफी हद तक एक्यूरेट कर लेते हैं ये बैंड। कैलोरी बर्न काउंट है, पाए है यानी कि पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स आपको बताता है, मोबाइल को बैंड के जरिए अनलॉक करने का फीचर है, और मोबाइल को ढूंढने का काफी अच्छा फीचर है इन बैंड्स के अंदर, जिसमें मोबाइल अगर साइलेंट भी है तो आप बैंड के अंदर फाइंड माई फोन के जरिए उसको रिंग करवा सकते हैं, ऐसे ही मोबाइल से बैंड को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के कैमरे के शटर के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है। टाइमर, स्टॉप वॉच, अलार्म, म्यूजिक कंट्रोल, फ्लैश लाइट, वेदर फोरकास्ट, ये तमाम फीचर आपको बैंड्स में मिल जाते हैं। इसके अलावा आइडल अलर्ट भी होते हैं, यानी कि रिमाइंडर कि आप काफी देर से बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये भी वाटरप्रूफ है 5 ATM तक पिछले वर्जन्स की तरह, तो स्विमिंग करते हुए आप पहन सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि वाटरप्रूफिंग किसी भी चीज की हो ओवर द टाइम वेयर एंड टेयर से कम हो जाती है। ऐप कनेक्टिविटी की बात कर लें तो ये मी फिटनेस और जेप लाइफ से कनेक्ट हो सकता है, जिसके लिए ये ब्लूटूथ 5.2 का इस्तेमाल करता है, और दोनों ऐप बेहतरीन काम करती हैं। इंटरफेस का फर्क है, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर मौजूद नई चीजों, कॉमन चीजों को डिस्कस कर लिया। तो कोई ऐसी चीज है जो कि इसमें नहीं है? तो ऑलमोस्ट तमाम ही चीजें इसमें मौजूद हैं, जो कि आपको किसी भी बजट बैंड में मिल सकती हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही हैं। लेकिन अगर आप हाई एंड बैंड से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर बिल्ट इन GPS नहीं है, जो कि इसके प्रो मॉडल में डाला गया है। इसमें ECG का फीचर आपको नहीं मिल रहा, मगर इन चीजों के ऐड करने से इसकी प्राइस बजट कैटेगरी से निकल जाती, जो कि करंटली 11,000 रुपए के राउंड है, और इसका प्रो मॉडल जो GPS के साथ आता है वो 21,000 रुपए का है। तो GPS के लिए ये भी आपके मोबाइल पर डिपेंडेंट है, जैसे कि पिछले वेरिएंट थे। बाकी एक चीज ध्यान में रखें, कोई भी बैंड, स्मार्ट वॉच वगैरह हो, आपने मेडिकल कंडीशन के लिए इन पर रिलाय नहीं करना। अगर कोई ऐसा मसला है तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये चीजें आपको जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए असिस्ट करने के लिए इस हद तक हैं, किसी भी मेडिकल डिवाइस का अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आपके पास मी बैंड 6 ऑलरेडी मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपग्रेड करने की कोई खास जरूरत है। ऑल दो चंद फीचर्स इसमें अच्छे ऐड हुए हैं और डिस्प्ले भी बेहतर हुआ है, लेकिन 80-90% वही कॉमन फीचर्स हैं,
और अगर आपके पास ऑलरेडी बैंड मौजूद नहीं है तो एक अच्छा फीचरफुल बैंड है जो कि आप खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये बैंड और इसका रिव्यू आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ साइन।